सबसे पहली बात समझें, एक जरूरी बात वो है कि हमने इस चैप्टर में काफी हिस्सा तय कर लिए हैं। आज की क्लास काफी आगे का है, छोटा सा है, पर उनको समझें एक ही पार्ट में कि एक्चुअली क्या टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है, तो इसमें थोड़ी तकलीफ होती है किसी बात को समझने में, बिखरा हुआ लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक काम और किया है कि जैसे मैंने आयरन के लिए बोला कि आयरन में भी ऐसा ही था कि एक स्टेप पे नहीं था वो मेटलर्जी में, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम जनरल प्रिंसिपल ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेटलर्जी का वो स्टेप्स पूरा बताया था जो क्या बोलते हैं आयरन का। आज मैं कॉपर के मेटलर्जी का पूरे स्टेप्स तैयार करके दूंगा ताकि वो पूरी तरह से कॉपर के मेटलर्जी में क्या होता है, कॉपर का निष्कर्षण कैसा होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम देखेंगे आज। तो इसमें दो तीन बातों पे ध्यान देंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पूरे स्टेप्स ध्यान रखेंगे। कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बात ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ओर का टाइप क्या है, ठीक है, कौन कौन सा ओर होते हैं। शायद आपको याद हो तो कौन कौन सा ओर होते हैं, क्यूपराइट। क्यूपराइट क्या होता है, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। फिर अपने कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2, और मैं दो और नाम बता रहा हूं, एक है मेलेकाइट और दूसरा एजोराइट। मेलेकाइट और एजोराइट में क्या डिफरेंस है बताता हूं। मेलेकाइट CuCO3 .CuOH2, ये क्या चीज है, ये है मेलेकाइट। और उसके बाद आता है एक होता है एज्यूराइट। बस एक अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों का रेशियो सेम था मेलेकाइट में CuCO3, लेकिन नेक्स्ट में एज्यूराइट में ये जो रेशियो है 2:1 में हो जाएगा, यानी 2CuCO3 .CuOH2, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या क्या ओर दिया है कॉपर का, एस्क का बताइए। सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्यूपराइट। देखो पहले आपके दिमाग में बिठाना जरूरी होता है क्यूपराइट। क्यूपराइट को रूबी कॉपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूबी कॉपर। फॉर्मूला क्या है बोलते जाइए, अभी बताया था, याद होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड, फिर कॉपर ग्लांस। बोलो इसका है कॉपर ग्लांस। ग्लांस शब्द का उपयोग कब करते हैं, Cu2S सल्फाइड होने पर करते हैं। कॉपर पाइराइट याद हो रहा है ना, बोलो, तो कॉपर पाइराइट क्या होता है, FeCuFeS2। एक्चुअली ये दो चीजों का एक तरह से मिश्रण ही होता है CuS .FeS का। फिर मैंने दो और नाम दिए हैं, मेलेकाइट और एज्यूराइट। मेलेकाइट बोलो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट हाँ 2 times डॉट CuOH2। इस तरह से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 आपके पास कुछ कॉपर के ओर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं जस्ट मिटा दिया करूंगा, ध्यान रखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। तो याद हो गया, चलिए हम कुछ बातों को और समझ लें। कॉपर का एक्सट्रैक्शन में कितनी स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट संधारण, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से पहले एक काम तो हमेशा की जाती, क्रशिंग, क्रशिंग एंड डंपिंग। सेकंड होता है क्रशिंग एंड डंपिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कूटना पीसना, ठीक है, एस का प्राप्त करते हैं उसको कूटेंगे पीसेंगे, डंपिंग कूटना पीसेंगे, और तो उससे क्या मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा। दूसरा काम होगा कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण। यहां पर सांद्रण हम लोग जो यहां पर कॉपर का क्या बोलते हैं निष्कर्षण करेंगे, कॉपर पाइराइट से करेंगे,
कॉपर कार्बोनेट से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो, पर आज जो मैं पढ़ाऊंगा या जो आपके कोर्स में है वो ये है कॉपर पैरेट, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में इंडिया में मिलती है ये चीज, तो इसी से करते हैं कॉपर पायराइट। अब तो देखिए होगे कि कॉपर भी एक ऐसी धातु है जो काफी महंगी मिलती है, आपको पता, वैसे मेटल महंगी मिलती है, क्योंकि मेटल जो है नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में होता है ना। कुछ एक धातु जो उत्कृष्ट धातु जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये किस में मिलता है, ये मुक्त अवस्था में मिलती है, ठीक है। पर ये जो है कॉपर है वो कुछ जगहों पर मुक्त अवस्था में है, बाकी ये किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये भी क्रियाशील है। आपके पता है आपके घर में कॉपर का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन, आपने देखा होगा उसमें कुछ हरा हरा कुछ वो लग जाता है, हरा नीले रंग का कुछ क्या बोलते हैं रशेस लग जाते हैं, तो वो एक तरह का जंग लगना होगा उसका, यानी कि कोरोजन होगा, तो वो इस कारण से होता है कि उसमें एक रिएक्शन हो चुका है, कॉपर का कंपाउंड बन चुका है, क्यूप्रिक कंपाउंड बन चुका है। तो इस तरह से ये प्रकृति में अगर पड़ा रहा है लाखों साल हजारों सालों तक, तो फिर किसी भी हाल में वो कोई ना कोई कंपाउंड तो बनाएगा ही बनाएगा, तो इसी तरह से वो इन सब फॉर्म में होते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर बातचीत किया है, इनसे हमें प्राप्त करना है, किससे, कॉपर पायराइट से। हमने 1 2 3 4 5 5 एस देख लिए हैं, एस को कि अगर नाम पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तब के जवाब के लिए। नेक्स्ट स्टेप है कि हम कितने स्टेप में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बोला था क्रशिंग एंड डंपिंग है ना स्टेप्स। हेलो बच्चों, मैं विक्रम सिंह। अब पढ़ाई का समय आ चुका है, जितनी भी खेलना कूदना जितना भी था वो सबका टाइम निकल चुका है, क्योंकि अब ये समझे कि आपके एग्जाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और पढ़ाई को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। तो आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब भिड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, अच्छे से तैयारी में, एक एक क्वेश्चंस, एक एक प्रॉब्लम्स, एक एक टॉपिक सबको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम ये बोल के नहीं आता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ये वाला नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बस समझो किसी कॉन्सेप्ट को यदि आप सही तरह से समझोगे तो बहुत ही बेहतर तरह से आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि एक एग्जाम क्रॉस करना हमारी पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन का सिस्टम ये कहता है, 11th और 12th की पढ़ाई ये कहती है कि जो 11th और 12th में पढ़ते हैं वही आगे जा करके आपके फ्यूचर में काम आते हैं, और 11th और 12th के एग्जाम में तो काम आते ही हैं। हमारे एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, और अब समय आ गया है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से उन्हें समझ सकें। मैंने ऑनलाइन कोर्सेस लाए हैं केमिस्ट्री के लिए विद्याकुल.com में। यहां पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, एमसीक्यूज और टेस्ट होगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा विद्याकुल.com में। हमने और हमारी टीम ने आपके लिए बहुत अच्छे से कोर्सेज तैयार किए हैं, और हम इसमें इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से मिल सके और हर एक टॉपिक आपको समझा सके। तो बच्चों विद्याकुल.com में आ जाइए, वहां पर हमारे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ये बताओ क्या क्या कर सकते हो, ऐसे ही सोचो। फर्स्ट क्रशिंग डंपिंग जिसमें वो छोड़ दो तो नॉर्मल होना ही होना है, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण। सेकेंड होता है कैल्सिनेशन, फिर होता है भर्जन। यहां पर अलग से कैल्सिनेशन फिर अलग से भर्जन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं कैल्सिनेशन वाला पार्ट हट गया। कैल्सिनेशन मतलब क्या बोलते हैं, निस्तापन, निस्तापन करने की जरूरत नहीं है, सीधे इधर रोस्टिंग में आ गया, भर्जन में आ गया। भर्जन के बाद प्रगलन होता है, ठीक है, प्रगलन पिघलाना होता है, ठीक है। फिर ये करने के बाद हमारे पास एक स्टेप आता है, वो बहुत जरूरी स्टेप है, वो है बेसिमराइजेशन, जो कि पिछले किसी में नहीं था ये चीज, तब जाकर के कॉपर प्राप्त होगा, वो भी अशुद्ध कॉपर प्राप्त होगा। जैसे कि आपको पता है हमने पिछले जो काम किए थे आयरन में भी, हमने वहां तक छोड़ दिया था जहां तक वो अशुद्ध रहता है, ठीक है। तो यहां पर कॉपर जो प्राप्त होगा उसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाएगा। फिलहाल एक एक स्टेप पे ध्यान देंगे, क्या क्या हुआ स्टेप याद हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन, भर्जन सॉरी सांद्रण, भर्जन, प्रगलन, बेसमरीकरण। फाइनली अगर देखा जाए तो वो शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन होगा, जो अगले स्टेप की बात है।
तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे, ये तो सल्फाइड अयस्क है ना, कौन सा और लिए थे आपने, CuFeS2 सल्फाइड अयस्क है, कॉपर पैराइट। इससे आप कर रहे हो तो ये तो सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है आपको पता होगा, बोलिए। हाँ, फ्रूट फ्लोटेशन यानी कि झाग उत्प्लवन विधि, ठीक है, झाग उत्प्लवन विधि द्वारा इन अयस्कों को कॉपर पायराइट को सांद्रित किया जाता है। एक लाइन लिखने पर काम चल गया आपका, क्योंकि वो एक अलग पार्ट है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, कौन सा, फ्रूट फ्लोटेशन। चलिए सेकेंड होगा रोस्टिंग, क्या होगा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होगा, रिवर बटरी फर्नेस में यानी कि परावर्तनीय भट्टी में हम इस धातु को क्या करेंगे, बोलते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने में कोई लस नहीं, क्या, हाँ, वायु की उपस्थिति में उसके गलन ताप से कम ताप पर गर्म करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ठीक है। ऐसा करने पर क्या क्या होता है आप खुद बताओ, क्या होगा इसमें, अधिकांश सल्फर, देखो पहले तो नमी हट जाएगी, देखो सब पता है, रोशनी पड़ चुके हो ना तो सब पता है आपको, बस एक इसमें जो खास स्टेप है वो बताऊंगा, क्या होगा, नमी हट जाएगा पहली बात, ये तो लिख ही सकते हो, सब में कॉमन लिख सकते हो, जब भी रोस्टिंग आएगा लाइन लिख सकते हो। दूसरा क्या हो जाता है, इसमें सल्फर की अशुद्धि जो होती है, सल्फर का एक्सेस जो है वो हट जाता है SO2 गैस के रूप में, आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों ऑक्साइड बनाकर हट जाएगा, मतलब सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी जो है ऑक्साइड बना करके वहां से पृथक हो जाती है, निकल जाती है, ठीक। तो नमी, सल्फर, आर्सेनिक और ये सब बातें, यहां पर ये जो है क्या सी जो मुख्य काम होने वाला है, और काम तो सभी मुख्य है, इनमें से कोई भी अगर नमी नहीं हटा तो भी मुश्किल हो जाएगा, तो काम सभी जरूरी है, पर यहां पर स्पेशल क्या होता है वो देखिए। CuFeS2 इस गर्मी में CuS+FeS, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, ये पृथक दो कंपाउंड बन जाते हैं, वैसे अलग नहीं होता है, दोनों मिक्सचर रहता है, मतलब एक मिक्सचर के फॉर्म में आ जाता है। अब यहां पर FeS का तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, सबसे ज्यादा खेल इसका होता है, CuS जो है इनका ऑक्साइड यानी ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है SO2, एक सल्फर निकल गया, ठीक है। और क्या होता है कि यहां से देखे ध्यान से, और ये बन गया है CU2S, क्यूप्रिक सल्फाइड से क्यूप्रस सल्फाइड, Cu+2 है ये, और ये Cu+1 है, क्यूप्रस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है। क्यूप्रिक सल्फाइड से क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्जन हो जाता है काफी मात्रा में, ये इसका रूप है। अब चलो ये जो बातें आपने यहां पर देखा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, भर्जन क्या है, किसमें होता है, देखो क्या क्या लिखना है चीजें आपको, किसमें होता है, क्या होता है ये, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीन चीजें लिखना है। क्या ये तीनों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, बोलो। तो मैं पूछ रहा हूं कि भर्जन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही करता हूं, क्या क्या हुआ, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलन ताप से कम ताप पर गर्म किया जाता है, कहां गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है जिससे उनकी नमी, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। यह कार्य परावर्तनी भट्टी में किया जाता है, यहां पर मुख्य कार्य होता है सांद्रित अयस्क पोरस हो जाता है, सरंध्रित हो जाता है ना, पहला काम होता है। दूसरा, अधिकांश मात्रा में क्यूप्रस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है, देख लो कितना हुआ, ऑक्सीकरण रियल में किसका हुआ है,
इसका हुआ है सल्फर का, ठीक है, जबकि कॉपर का क्या हो चुका है, अपचयन हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है, सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहां पर +4 है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, सल्फर का। ये है 11th का चैप्टर नंबर, हाँ, रेडॉक्स, कहां से 8। ये थोड़ी थोड़ी शब्दों का उपयोग कर किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको अक्सर मैं बोलता था, याद होगा आपको 11th वाले बच्चों को, जब 11th में थे तुम लोग, तो एक बार बोलता था कि आप 11th में आके गलती नहीं किए हो, 11th में आके आपने नॉलेज को पूरी तरह से सेट किए हो, ठीक है, और वही आपको फायदे पहुंचाएगा, ठीक है। यानी 11th में जो बच्चे याद करने के लिए और रट्टा मारने के लिए और एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, वो बात आगे जाके पछताएंगे, ये भी बोला था, लेकिन जो यहाँ पर सीखना चाहते हैं 11th में, वो आगे जाके पछताने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, फिलहाल तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो ये सब लाइनें क्या आप लिखे होगे कि हमको लिखाना पड़ेगा, लिख लेंगे। एक जरूरी बातें और बता देता हूं इसमें, कि थोड़ी सी मात्रा कॉपर की, क्या बोला, थोड़ी सी मात्रा कॉपर की इसमें भी परिवर्तित हो जाता है, किसमें, सी यू, अल्प मात्रा में लिख देता हूं, सी यू, सी यू क्या है, सी यू टू एस ऑक्सीजन से और एफ ई एस, ये इनसे रिएक्शन करके क्या बन जाता है, देखें यहां पर सी यू टू ओ एस ओ टू निकल गया और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ई ओ प्लस एस ओ टू, ये थोड़ी सी मात्रा अल्प मात्रा में रिएक्शन हो जाता है, ये मूल रिएक्शन तो आपको पता है ना, थोड़ी मात्रा ऐसी परिवर्तित हो जाती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, रोस्टिंग से हमें क्या क्या मिला है, मुख्य तौर पे क्या क्या मिला है, CU2S और क्या है, FES, ये दो चीजें हैं, CU2S और FES, दो चीजें हमें मिला है किसमें, भरजन से, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में हमें मिली है CU2O, कुछ मात्रा में CU2O मिला है और कुछ मात्रा में FeO भी है, ठीक है, क्लियर हो गई। मुख्य क्या चीज है, भर्जित अयस्क में FeS और CU2S कुछ मात्रा में, ये दोनों हैं। अब इसका स्मेल्टिंग करेंगे, प्रगलन, प्रगलन, आपको किसी भी हाल में कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है जो कोर्स है उसके तहत, ये अलग बात है कि हम आपको वो फिगर बना के दिखाते जरूर हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इससे क्या होता है कि आपकी समझ अच्छी हो जाती है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करते समय उसका फिगर भी बनाना होगा। ये जो है ब्लास्ट फर्नेस में होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसेस होगा, कौन सा, प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है ना, आपको पता है बातें, तो ये कहां पर होगा, ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस किसको बोलते हैं, हाँ, वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस में होगा। आपने आयरन का ब्लास्ट फर्नेस देखा था, वो 30 मीटर की हाइट की थी, ठीक है, और ये जो है ओनली 15 से 16 फिट, फर्क बहुत है, ठीक है, तो कितना फिट है ये, 16 फिट में है ना, वो मीटर में है, 30 को वो 90 100 फिट ऊपर था उसकी हाइट थी, 100 फिट के आसपास था, और ये कितना है, ओनली 15 फिट था, वो हाइट जरूरी होता है ना, ये नहीं कि सर मेरे यहां बड़ा चीज बनाएंगे तो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है, वो हाइट जरूरी होता है, क्योंकि वहां से होते होते जब आता है टेम्परेचर के साथ, तो जो इफेक्ट होती है उसको हम यहां पर लेके चलते हैं। तो यहां पर स्मेल्टिंग होगा, तो क्या क्या लेते हैं इसमें, इसमें हम जब लेंगे तो लेंगे सबसे पहले भर्जित अयस्क यानी रोस्टेड ओर प्लस यहां पर मिला देते हैं सिलिका, सिलिका यानी कि रेत, SiO2 मिला देते हैं और प्लस मिला देते हैं इसमें कोक, कोयला, कोयला काम क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा, जलाएगा इसको, तो यहां पर कार्बन जो है किसी तरह से अपचायक के रूप में काम नहीं करती है, ठीक है ना, कोक जो है यहां पर किसी तरह की कोई अपचायक का काम नहीं करती है। चलिए यहां पर मेन प्रोसेस क्या होना है वो जरा देखें, आपके पास ये दो चीजें हैं, ये भी आ गया है, देख लो, ठीक है,
तो होता यह है कि इस जगह पर सबसे पहली बात तो है, जितनी भी इसमें ये CU2O होगा वो पहला रिएक्शन करेगा, CU2O FeS से रिएक्शन करके बना लेगा, ये सल्फर को हटा देगा और बन गया Cu2S प्लस बन गया FeO। और आप देख रहे हो इसमें काफी मात्रा में FeS भी आ रहा है, तो उस FeS के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, FeO बनेगा, SO2 निकल जाएगा। ठीक है, जितनी भी FeO बना होगा, FeO जितना भी बना होगा वो रेत के साथ संयोग हो जाएगा और बना लेगा FeHiO3 स्लैक धातुमल। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया देख लो, आप मुख्य रूप से आपके पास क्या बचा है, Cu2S बच गया। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि पूरा का पूरा FeS रिएक्शन कर ले, थोड़ी बहुत अशुद्धि ग्रुप में FeS हो सकता है। तो अब हमें प्राप्त होगा, ये हो गया क्या, प्रगलन हुआ, तो स्मेल्टेड क्या बोलते हैं, प्रगलित ओर प्राप्त होगा, यहां पर आपको धातु प्राप्त नहीं होगा, स्मेल्टेड ओर प्राप्त होगा, जिसको यहां पर एक शब्द दिया गया है मैट, तो यहां पर प्राप्त होगा मैट। मैट में क्या होगा ये जरा देखिए, मैट में मुख्य तौर पे क्या होगा, Cu2S होगा, देख लो ये बना हुआ था वो भी उसमें कन्वर्ट हो गया आखिरकार, और वही हमारे भर्जित अयस्क से होते हुए आ रहा है, देखो Fe2S, यस, मतलब यहां पर Fe2S बनाने की प्रोसेस हो रही है, तो Fe2S प्लस अल्प मात्रा में बहुत ही माइनर हमें मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर FeS, ये ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ, ये वाला तो क्लियर है क्या। देखो बेटा मैं इस टाइम लिखा नहीं रहा हूं इस चीज को, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप बनो, जिस तरह के कोर्सेस है उसमें बनो, उस चीज को सीखो और समझो क्या क्या हुआ है, क्लियर है, मैंने बताया था, दिमाग में बिठाओ, मैं मेरा काम है कि आपके दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये कोशिश तभी संभव हो पाता है जब आप थोड़ा पढ़ के आओ, क्योंकि जब भी हम क्लास लेते हैं तो आप बता देते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, और आप जाकर के उस दिन आज कुछ नहीं है यार, आज पढ़ने के लिए नहीं कुछ है ऐसे अगर सोचते होगे तो आप 100% रॉन्ग हो, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर वो आपको क्या करना है, थोड़ा एडवांस में थोड़ा पढ़ के आएंगे, मैंने कहा था याद रखना कि जब पहली बार पढ़ोगे तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल जीरो रहेगा, लेकिन पढ़ने से थोड़ा टाइम लॉस होगा। आपको पता है मैंने एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो यहां पर है, जब बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है ना तो प्रयास हम करते हैं, बहुत करते हैं, एक बढ़िया मतलब बढ़िया माइंड है एक लड़के का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कैचिंग है, सब कुछ अच्छा है। हुआ ये कि वो स्कूल से पढ़ा, ट्यूशन से पढ़ा, जा करके खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती नहीं करता, खेलता कूदता है, ये करना है वो करना है, टाइम इसमें बर्बाद करता है, ठीक है, लेकिन वो अपना टाइम लॉस कर रहा है। हमने उसके एक टारगेट रखा, वो टारगेट में मानता है कि नहीं मानता अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी टारगेट रखा है, अगर आप सोचो तो बहुत बड़ी बात है, देखो मैं बताता हूं, सोचू, सोच के देखना कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा को हम वैसे करना तो नहीं चाहिए पर हमने ऐसा किया है, उसको कहा भैया तू रोज 6 घंटा पढ़ के पढ़ाई कर, कितना घंटा, 6 घंटा, और 6 घंटे में 6 घंटे का प्रमाण भी मिलना चाहिए, और हम लास्ट में रात में हम आपसे रोज क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब क्लियर मिलना चाहिए, जैसे जितने क्वेश्चन पूछा गया उसके जवाब मिल जाते हैं तो आपको उस दिन आपको 100 रुपीज पकड़ा देंगे। तो महीना में कितना हुआ, 3,000, साल में कितना हुआ, 36,000, तो 36,000 बच्चा कमा सकता है, हमने टारगेट रख दिया उसके लिए, अब वो करता है कि नहीं करता डिपेंड करता। अब तुम ये सोचो यार मेरे यहां तो कोई देने वाला नहीं है, अगर ये सोच रहे हो तो इसकी जगह ऐसे सोचो, रोज 100 रुपीज नहीं, तुम लोग सोचो रोज 1,000 रुपया कमा रहे हो, महीना में 30,000, ठीक है, साल में 3,60,000,
अब कुछ मत करो, बस ये पैसा अब काउंट कर लो, 3,60,000 इस साल कमाए 11th में, 3,60,000 12th में कमाए, टोटल कितना हो गया? 7,20,000, जो भी होगा आपने इतना कमा लिया। ओके, आप विश्वास करो वो जो मार्कशीट बनेगा ना वो सिर्फ 7 या 8 लाख का नहीं बनेगा, वो कम से कम 2 से 3 करोड़ का बनेगा, क्योंकि जितना आप सीखे होगे ना वही तो है मार्कशीट, समझ वही बात है। और उसका प्रमाण मिलेगा आपको, एंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगा, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम जो दिलाते हो एग्जाम्स की, कौन से एग्जाम की बेटा, किसी अच्छे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हो तो क्या प्रॉब्लम आता है आपको? प्रॉब्लम ये आता है कि यार वहां पर मैं इतने मार्क्स नहीं हासिल कर पा रहा हूँ इस एग्जाम्स के लिए, IIT कॉलेज में जाना है या फिर आपको BM क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। तो वो उसके नॉलेज अगर आप इस तरह सोच के कर रहे हो मेहनत कि उसमें मुझे एंट्रेंस लेना है, तो आप इस तरह की सोच पैदा करो कि मैं रोज इतना 1,000 रुपये कमा रहा हूं, समझ रहे हो, 1,000 रुपये की मेहनत कर रहा हूं, 2,000 रुपये की मेहनत कर रहा हूं, गिनती लिखते जाओ अपनी कॉपी में, लिखते जाओ अकाउंट में आपका आते जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा उसका पैसा। उस बच्चे को हमने भी ये टारगेट दिया, आपके जो पैसे आएंगे ना हम आपके गुल्लक में डालेंगे, आपके देंगे नहीं, क्योंकि बिगड़ने के लिए नहीं देंगे, ठीक है, आपके गुल्लक में डालेंगे आपके सामने, समझ रहे हो मैं क्या कहा, गुल्लक में जाएगा, ऐसा नहीं कि साल भर हुआ तो फिर वो पैसा फोड़ के निकाल के कुछ मिसयूज कर दी, ऐसा नहीं, तुमको जिस चीज की जरूरत होगी वो हम खुद ही लेके देंगे, पर इस पैसे को यूज नहीं करोगे तुम, हम वक्त आएगा हम बोलेंगे बेटा फोड़ लो और जो पैसा यूज करना कर लो। वो एग्री है कि नहीं वो अलग बात है, तुम एग्री हो कि नहीं हो अलग बात है, पर आप समझ लो इस बात को, समझ रहे हो ना, तो वक्त का पूरा उपयोग करो जो मैंने कहा। अब यहां पर ध्यान दो क्या कहा मैंने, यहां पर पूरी बातें क्लियर है, यहां से क्या मिला ये क्लियर है, यहां पर कंफ्यूजन होता है भाई, बता रहे बहुत सारे रिएक्शन होने से कंफ्यूजन होता है कि यार रियल में क्या हुआ है, तो मैंने रियल वाली पार्ट लिख दिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हो, जैसे इसमें आप इन दोनों को छोड़ सकते हो, नहीं समझ में, इतना ही रख सकते हो। तो चलिए, तो यहां पर ये दोनों चीजें हुई, इस जगह पर देखो मूल रूप से क्या हुआ कि वहां से रिएक्शन से आया हुआ था Cu2O, वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu2S में, यानी कि हमें Cu2S ही चाहिए। फिर दूसरी बात है जो FeO कर FeS होके आता है उसमें से, वो तो काफी मात्रा में है ना, लगभग वही तो है। यहां पर मूल रिएक्शन की बात करें तो यही एक रिएक्शन है मूल रिएक्शन, कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, FeO बनाता है, निकल गया। अब दूसरी बात है FeO जैसे ही बनेगा वो रेत के साथ संयोग करके धातु मल में निकल गया, मतलब जो कॉपर पाइराइट में जो आयरन होता है उसे पृथक करने का काम करता है स्मेल्टिंग में। अब समझ में आई बात है, मूल उद्देश्य यहां पर क्या है कि आयरन को हटा देना, हट गया भाई, कितनों भी हटाओगे थोड़ी बहुत अशुद्धि तो रह जाती है, इसलिए थोड़ी सी अशुद्धि के रूप में FeS है। मैंने बताया था कि ये एक वात्य भट्टी होता है, अब मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो फिर से नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर टाइम बर्बाद होता जरूर है। इसको मिटा दूं, बोलो, इसको घर में जाके 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तब आपके दिमाग में बैठेगा पूरा प्रोसेस। ये ब्लास्ट फर्नेस नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, पर इसमें एक खास बात होता है कि इसमें वाटर जैकेट लगा होता है, क्या लगा होता है, वाटर जैकेट लगा रहता है, ये नीचे उसका बेस है, ठीक है, वेस्टेज गैस निकालने के लिए, बाकी कप एंड कोन व्यवस्था तो इसमें भी होगी, बोलो ठीक है, कप एंड कोन व्यवस्था इसमें भी होगी, इसमें ट्वेयर लगा रहेगा जैसे कि उसमें आयरन वाले में देखे थे ट्वेयर, ठीक है,
बाकी ये क्या चीज है? वाटर जैकेट। वाटर जैकेट मतलब ये लोहे का दो परती क्या बोलते, बर्तन होता है समझ लो, है ना, और उसमें बीचों बीच में क्या पानी प्रवाहित किया जाता है, इसमें ये पानी रखा जाता है, ये वाटर है, बाकी और कुछ नहीं, तो इसको वाटर जैकेट कहते हैं ये। और अंदर साइड क्या है? ये है, फायर ब्रिक्स होते हैं। इसकी हाइट पे ध्यान देना बस, इसकी हाइट कितना है? 15 से 20 फीट होती है, ठीक है, नॉर्मली वही होता है। तो फिगर कोई बनाने के लिए नहीं बोलेगा। तो इसमें क्या क्या डालते हैं आप लोग को याद हो गया? रोस्टेड ओर, सिलिका और कोक मिला दी जाती है। सिलिका का काम क्या है? जो उसमें अशुद्धि के तौर पे आयरन जो होता है, उस आयरन को हटाना धातुमल के रूप में। तो ऊपरी तल पे जो क्या बोलते धातुमल है, वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, और जो हमें मैट प्राप्त होता है नीचे प्राप्त होता है, उस मैट नीचे जैसे उसमें लोहा प्राप्त हो रहा था आयरन वाले में, तो इसमें मैट मिलेगा, और मैट में होता है Cu2S+Fe(S)। अब हम करेंगे बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन, बेसेमरीकरण क्या है भाई? बेसेमरीकरण क्या है? ये एक तरह का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक इस तरह का पात्र होता है, इसको कुछ लोग बोलते हैं क्या, नाशपाती जैसा संरचना होता है करके, ठीक है। इसके अंदर इसमें अस्तर चढ़ा होता है, लाइनिंग अस्तर है ना, वो क्या है, किसका चढ़ा होता है? CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का। इसमें ये एक बेस के साथ जुड़ा होता है, एकदम बढ़िया तो फिगर नहीं बना रहा हूं, बस आपको इसकी प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम प्रवाहित करते हैं एयर, हवा प्रवाहित करते हैं इसमें, या ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, ठीक है, मूल रूप से हम ऑक्सीजन ही प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ओटू। देखो बेटा, हम इसमें मैट मिला देते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं? मैट। मैट का काम क्या होगा वो जरा देखेंगे, प्लस कोक, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, प्लस थोड़ी सी रेत, SiO2। मैट मिला देते हैं और क्या दे देते हैं, मतलब ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बेसेमर परावर्तक, बेसेमर रिफ्लेक्टर, इसे घुमा सकते हैं ना, इसलिए अंदर हमने डाला है क्या चीज, मैट SiO2। गर्म हवा प्रवाहित की जाती है इतनी कि अंदर ये पिघले अवस्था में रहती है, और इसमें कुछ कार्बन भी रहता है ताकि वो अंदर आग जैसे जलती है ना, दहकता हुआ। यहां पर मूल रूप से जो प्रोसेस है वो ये है कि अंदर जो धातु है वो क्या हो जाए, ये जो मैट है ये पिघल जाए, और सबसे बड़ी चीज है ये पिघली अवस्था में क्या रिएक्शन होगा मूल रूप से उसको समझें। इसमें है क्या चीज मैट में आपको पता है? बोलो, Cu2S+Fe(S), Fe(S) थोड़ी सी मात्रा में। तो सबसे पहला प्रोसेस तो इसमें ये होगा कि Fe(S+) ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया गया, Fe(S+) हमने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया, तो Fe(O) बनाएगा प्लस SO2। अब बोला सर ये रिएक्शन तो ऊपर भी कर चुके, वो थोड़ी मात्रा में रिएक्शन हुई थी बोला था मैंने, कुछ मैंने सॉरी पूरी मात्रा में हुई थी, थोड़ी बहुत मात्रा में बची हुई Fe(S) है वो यहां पर रिएक्शन करेगा, ये बोला मैं, ठीक है। तो ये लिखा भी है अल्प मात्रा में, तो ये थोड़ा रिएक्शन हो गया। जैसे ही Fe(O) बनता है वो क्या हो जाएगा, किसका, सिलिका SiO2 के साथ मिलकर क्या बनेगा, Fe(SiO3), सिलिका क्या बोलते हैं इसको, स्लैक बन के निकल गया। एक और बात है, पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद जो थोड़ी बहुत अगर मात्रा में रेत बच गया हो, तो हमने यहां पर डाले हैं, देखो ये किसका अस्तर चढ़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वो भी यहां पर रिएक्शन हो जाएगा। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं बस, CaO+SiO2 किस क्या हो जाएगा, CaSiO3।
ओ थ्री बन के निकल जाता है, ये भी एक तरह का स्लैग बन जाता है, ऊपर में पपड़ी के रूप में आ जाएगा, उसे बहा के निकाल दिया जाएगा। फाइनल जो जो बहुत जरूरी काम होता है वो समझेंगे यहां पे, वो है यहां पर देखो, Cu2S है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, Cu2O बनाएगा और बनाएगा SO2, बन गया Cu2O। जैसे Cu2O बनता है, Cu2S जो बचा हुआ है, मतलब भाई ऐसा तो नहीं कि पूरा पूरा एक साथ रिएक्शन हो जाएगा, कुछ मात्रा तो बचा रहेगा क्या, तो जैसे जैसे ये बनते जाता है बचे हुए के साथ ये रिएक्शन करने लगता है, क्या होगा देखो, तो ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन कर जाएगा, SO2 दो ऑक्सीजन, चलो मैं बैलेंस कर देता हूं, तो कितना होगा, 4 2 6, देखो कॉपर धातु प्राप्त हो गया। स्व ऑक्सी अपचयन रिएक्शन, स्व अपचयन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, बेहतरीन सा, देखिए खुद ही Cu2O ने क्या बना लिया, Cu2S को क्या कर दिया, उसमें से कॉपर को अपचयित कर दिया, धातु को अपचयित कर दिया, देखो कितनी बढ़िया सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं आप पूरी की बातों को सोच सकते हैं, तो आपका सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन के बाद आपने रोस्टिंग किए, रोस्टिंग के बाद आप स्मेल्टिंग किए, स्मेल्टिंग के बाद बेसमरीकरण किए, पूरे स्टेप को अगर ध्यान से समझो तो बहुत आसान सा रिएक्शन है। मैं एक लाइन में पूरी चीजों को एक ग्राफिक फॉर्म में आपको दिखाता हूं, पहले इस चीज को थोड़ा सा सोचना चाहो तो बस मैं 1 मिनट आपको दे देता हूं, 1 से 2 मिनट, ठीक है। CuFeS2 ये क्या चीज है, कॉपर पाइराइट, फिर क्या होगा, ये ओर है, इम्प्योर है, सबसे पहला क्या करेंगे बोलो, सबसे पहला काम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, किसमें करोगे, कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन, सही है, इसमें सिर्फ शुद्ध होता है और जितनी इंप्यूरिटीज है वो निकल जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा बोलो, रोस्टिंग, रोस्टिंग कहां होगा, परावर्तनी भट्टी में, रिवर बैटरी फर्नेस, क्या होगा यहां पर बोलो, वायु की उपस्थिति में है ना, तो लिख सकते हो ना एयर, ठीक है। फिर क्या होगा बताओ, यहां पे मूल रूप से क्या होगा, सल्फर, सल्फर डाइ ऑक्साइड के रूप में निकल गया, आर्सेनिक निकल गया है ना, तो मैं लिख देता हूं, मैं अगर आर्सेनिक होगा या एंटीमनी होगा, आर्सेनिक होगा तो क्या बना लेगा, As2O3, एंटीमनी होगा तो क्या बनाएगा, Sb2O3, ये बन गया। लेकिन मूल रिएक्शन और के साथ क्या होता है, और के साथ मूल रिएक्शन होता है CuFeS2, इससे क्या बन जाएगा, Cu, दो रिएक्शन को जोड़ के लिख रहा हूं, Cu2S प्लस FeS, और एक्स्ट्रा एस कहां से हो जाएगा, SO2 के रूप में निकल जाता है। तो काफी मात्रा में क्या निकल जाती, नमी निकल जाता है, SO2 निकल जाता है, As2O3, Sb2O3, ये सब वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मूल से आपको ये रिएक्शन मिला, कुछ अल्प मात्रा में रिएक्शन को अगर मैं लू तो Cu2S प्लस अल्प लिख देता हूं माइनर, तो क्या होगा, क्या होगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन के क्या बना लेता है, Cu2O प्लस Fe, सॉरी SO2, ये रिएक्शन यहां पे हुआ, क्लियर है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर हमें प्राप्त होगा, मूल रूप से क्या प्राप्त होगा,
Cu2S प्लस FeS और अल्प मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है Cu2O। ठीक है, इस चार्ट का अगला स्टेप स्मेल्टिंग। तो ये तो समझ में आ गया ना क्या हुआ, इंप्योरिटीज निकल गया। फिर स्मेल्टिंग, तो यहां से आपको नंबर जो यहां पर प्राप्त हुआ है इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये रोस्टिंग हुआ था, रोस्टेड ओर बोलेंगे। रोस्टेड ओर को डाला जाता है किसमें, नंबर थर्ड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड क्या होगा, स्मेल्टिंग। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, समझ रहे हो, कोई चीज समझाता हूं। इसका रीजन ये है कि बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में ही आप सीखो, घर में जाके प्रैक्टिस करो कस के। तुम लोग क्या करते हो, यहां से सिर्फ लिख के जाते हो, फिर रट्टा मारते हो घर में, और उसके बाद फिर सब वॉश, तो वो मत करो। जब सिखा रहा हूं तो मेरी मेरी इस मेहनत को आप बिल्कुल अपनाओ, मेरे मेहनत का इज्जत करो, ये बोलो। नहीं करोगे इज्जत तो आगे जाकर वही करूंगा जो दूसरे लोग करते हैं, जो कि मैंने आज तक नहीं किया, 2200 साल तक नहीं किया, तो आप क्यों करूंगा, सीधी सी बात कह रहा हूं। तो यही कारण है कि आप इस तरह से आप सीखते जाते हो, ध्यान से बस देखते जाओ। फिर क्या होगा बेटा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कहां होगा, ब्लास्ट फर्नेस में। और इसमें क्या मिलाना जरूरी होता है, जब स्मेल्टिंग करते हैं तो यहां पर लिखता क्या, कोक सिलिका है ना, कोक और सिलिका, क्योंकि ये तो स्मेल्टेड ओर, रोस्टेड ओर तो इसमें आ ही रहा है। यहां पर मूल रूप से रिएक्शन क्या हुआ, थोड़ी बहुत जो Cu2O है वो FeS से संयोग कर जाएगा, क्या बनाएगा, Cu2S प्लस FeO। इसमें रेत में क्या बोलते, कोक में सिलिका मिलाएगा, रेत मिलाएगा, तो FeO सिलिका से संयोग कर जाएगा और FeSiO3 बना लेता धातुमल। फिर इस जगह पर रिएक्शन जो है, इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, Cu2S प्राप्त हुआ, अल्प मात्रा में ये रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है, मैट। मैट में क्या चीज है, Cu2S प्लस FeS, ये माइनर है, अल्प मात्रा में। ठीक है, जो अशुद्धियां वो धातु मल के रूप में निकल गया है, वो क्या है, FeSiO3 निकल गया, कि अलग हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे, बेसिमराइजेशन नंबर फोर। क्या होगा बेसिमराइजेशन में, हम इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें भी रेत मिलाते हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत मात्रा में हम क्या मिला देते हैं, कुछ नहीं मिलाते। इसमें क्या होता है, एक लाइनिंग होती है, लेयर होता है, किसका, CaO या MgO का इसमें अस्तर चढ़ा होता है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में, सॉरी बेसिमर रिफ्लेक्टर में, उसको बेसिमर रिफ्लेक्टर कहते हैं। इस भट्टी को क्या कहते हैं, बेसिमर रिफ्लेक्टर कहते हैं, बेसिमर रिफ्लेक्टर। इसमें क्या होगा बताओ, तो जो FeS की मात्रा होगी उनके साथ ऑक्सीजन, इसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, तो क्या हो जाएगा, FeO प्लस SO2, ये अलग ये बन गया, और इसमें जो रेत मिलाया गया उनके साथ ये क्या हो जाएगा, FeO प्लस SiO2 क्या बना लेगा, FeSiO3 धातुमल। अब मूल रूप से रिएक्शन क्या होगा, Cu2S है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगा Cu2O प्लस SO2, और इस तरह से Cu2S जो बना हुआ जैसे से बनते जाता है, जो बचा हुआ उसके साथ रिएक्शन करती जाती है, Cu2O रिएक्शन करके बना लेगा Cu, और ये SO2 बनके निकल गया। मतलब यहां पे आपको प्राप्त हो चुका है, देखो अशुद्धि के रूप में क्या निकल गया, यहां पर Fe निकल गया, FeSiO3 निकल गया है ना, और काफी मात्रा में इस तरह से क्या निकल जाती है, SO2 गैस निकल जाती है। फिर आपको क्या मिला, देखो तो कॉपर मिला, इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मतलब फफोलेदार कॉपर, फफोलेदार तांबा। जब ये तांबा बाहर आता है तो उसमें काफी मात्रा में SO2 गैस फंसा होता है, वो SO2 गैस जो है वो बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, तो ठंडा होते होते ये होता है कि उसके सतह पर फफोले दिखाई देते हैं,
तो इसको क्या बोलते हैं ब्रिस्टल, वो तो सॉलिड सॉलिड स्टेट में रहता है ना कॉपर, सॉलिड है ना, तो वो जैसे ही उस टाइम मिलता है तो उसमें क्या होता है फफोले दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है फफोलेदार कॉपर। इस कॉपर को हम शुद्ध करेंगे आगे जाकर के, कल की एक छोटी सी क्लास होगी इसमें शुद्ध शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने पर अगले स्टेप वाले क्लास में चलेंगे। चलो ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज है जो रैंडम में आएगा यानी आगे पीछे आएगा, वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नया नया अपलोड होते जा रहा है वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए। प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।